हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरोज और मेरे यूट्यूब चैनल सरोज झारखंडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, अभी हम हैं महादेव खेला मंदिर अपर शिलोंग में, जो कि 101 एरिया है। इस एरिया में अभी हम हैं। तो फ्रेंड, इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से इस मंदिर का ये जो है पहाड़ी का नीचे है, जो कि क्या क्या खास है और यहाँ पर लोग कितने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। साथ ही साथ हम ये भी बात करने की कोशिश करेंगे उनसे, जो इस मंदिर का रखवाला है। तो फ्रेंड, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, चलिए चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इस मंदिर में और क्या कुछ खास होने वाला है। फ्रेंड, तो अब ब्लॉक में अंत तक बने रहें, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ब्लॉक में। और ये भक्ति भाव, अगर भोलेनाथ का भक्त है तो ये ब्लॉक लास्ट तक ज़रूर देखें। जय बाबा भोलेनाथ। तो गाइज, अब हम चलते हैं श्री श्री महादेव खेला धाम, जो कि 101 एरिया अपर शिलोंग में है। साथ ही साथ देखते हैं फ्रेंड, और जैसे ही हम यहाँ से हिन करते हैं, जो कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा तार का जाली, जो कि हरा हरा पेंट है, ये फ्रेंड डिफेंस का बाउंड्री है, जो कि डिफेंस का बाउंड्री का सटा हुआ ही जो रास्ता जा रहा है, इस रास्ते से फ्रेंड हम चलते हैं आगे की ओर मंदिर। तो फ्रेंड, इस मंदिर तक तो फोर व्हीलर नहीं जाता है, लेकिन टू व्हीलर चला जाता है। फ्रेंड, जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं, यहाँ पे जो है एक पहाड़ से पानी उतरता है, जो कि इस पानी को सर में ले के, इस पानी से नहा के एक शुद्धता जो होता है इसको टच करके ही फ्रेंड मंदिर की ओर जाया जाता है। इसको शुद्ध माना जाता है, जैसे कि देख पा रहे होंगे कि पताका किस प्रकार से लहरा रहा है। तो फ्रेंड, यहाँ से अब हम चलेंगे मेन मंदिर की ओर। तो फ्रेंड, ये मंदिर का जो है मेन गेट है, यहाँ से मंदिर कैंपस में इन कर गए हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, यहाँ से हम एंट्री करते हैं मंदिर में। तो मंदिर कैंपस में इन करने के साथ देखते हैं प्रसाद ये कहाँ मिलता है। तो गाइज, जो कि बायां साइड दिखाई पड़ रहा है आइसक्रीम का जो कि फ्रिज रखा हुआ है, ये है प्रसादी का दुकान। तो फ्रेंड, यहाँ से हम प्रसादी लेते हैं, यानी प्रसादी जो भी भक्त यहाँ आएंगे वो यहाँ से लेंगे। यहाँ से प्रसादी लेने के बाद इनका यहाँ सारा कुछ है, फूल, जल, नारियल, जो भी पानी, सब कुछ होता है, ये सारा कुछ है फ्रेंड। तो इसके बाद हम थोड़ा आगे देखते हैं, जो कि ये लेफ्ट साइड दिखाई पड़ रहा होगा, ये मंदिर का मेन गेट हो गया। और यहाँ से देख रहे होंगे श्रद्धालु किस प्रकार पूजा करके निकल रहे हैं फ्रेंड। आगे हम देखते हैं, जो कि बायां साइड ये जो दिखाई पड़ रहा है ये वाला, तो ये जो है फ्रेंड ये हवन कुंड है, जो कि शादी ब्याह होने के बाद वहाँ पर सात फेरे ले जाता है। साथ ही साथ फ्रेंड, हम इधर मंदिर को एक बार दिखाते हैं आपको, इसका अंदर भी हम चलते हैं। ये गेट है, जो कि इस गेट को एक बार निर्माण किया गया है 18/10/1964 में। तो यहाँ से फ्रेंड हम मंदिर के मेन प्रांगण में जाएंगे। उससे पहले हम दिखाते हैं फ्रेंड की नदी है इस साइड पे, जो कि गेट बंद है। इस नदी को जो है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि में खोल दिया जाता है। तो फ्रेंड, अब यहाँ से आप मेन मंदिर में चलते हैं। तो फ्रेंड, अब हम मेन मंदिर में, मेन मंदिर का जो प्रांगण है, प्रांगण में आ गए हैं। तो सामने में दिखाई पड़ रहा होगा दो खुखड़ा, जिसको बोलते हैं, यानी भुजाली। तो दो भुजाली का गेट के ऊपर जो है निशान लगा हुआ है, जो कि ये है असम राइफल जो है इनका, उनका ये है नेपाली लोग का जो है ये होता है खुखड़ा। तो इस प्रकार से इनका यहाँ पर ये गेट का निर्माण हुआ है, जो कि यहाँ फ्रेंड लगा हुआ है। मैं सामने से दिखाता हूँ, देख पा रहे होंगे इराक। तो फ्रेंड इस प्रकार से, और ये जो सामने दिखाई पड़ रहा होगा ये यहाँ पे फ्रेंड अभी किन्हीं श्रद्धालु का पूजा रखे हैं, तो इस पूजा के लिए वहाँ पे सारा कुछ वो व्यवस्था है फ्रेंड। अब इस साइड से फ्रेंड दिखाते हैं हम आपको, इधर जो है ये मंदिर दिखाई पड़ रहा होगा, ये राधा कृष्ण का मंदिर है। साथ ही साथ फ्रेंड, इस प्रकार से जो है मंदिर का प्रांगण में अनेकों मंदिर है, जो कि हनुमान जी, शिव जी, कृष्ण भगवान, भोलेनाथ जी। तो इस प्रकार से फ्रेंड मंदिर है, जैसे कि आप सामने दिखाई पड़ रहे होंगे, जो कि वो दीवार में जो है शिव जी का वो बना हुआ है। तो फ्रेंड अंदर में शिव मंदिर है। साथ ही साथ फ्रेंड, एक यहाँ का एक जो मेन मंदिर, जो कि मेन कैंपस है, मेन कैंपस के अंदर एक मेन मंदिर है फ्रेंड, मैं वो भी दिखाता हूँ। और जैसे कि देख पा रहे होंगे ये श्रद्धालु जो है अंदर में ही प्रसादी का सेवन कर रहे हैं।
साथ ही साथ पीछे एक गेट दिखाई पड़ रहा होगा, इसको जो कि किस प्रकार से ढांचे से तैयार किया गया है फ्रेंड। तो फ्रेंड आगे हम और भी दिखा रहे हैं आपको कि किस प्रकार से यहाँ पे है। ये सामने दिखाई पड़ रहा होगा फ्रेंड, ये हनुमान जी का मंदिर है। साथ ही साथ फ्रेंड हम आपको दिखाते हैं आपको इधर किस प्रकार से है, जो कि वैसे तो ये जो मंदिर है जो कि जो शिलोंग है, शिलोंग में 90% कह सकते हो आपकी यहाँ पे जो है ईसाई धर्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी इस मंदिर में जो है इतने बड़े मंदिर को जो कि रखा गया है यहाँ पे, ये काफ़ी हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ा बात है जो कि मंदिर को मेंटेनेंस करके और मंदिर को रखा गया है, जो कि 200 साल पुराना मंदिर है ये। तो इधर देख पा रहे होंगे कि पंडित जी पूरा पूजा के लिए तैयारी कर रहे हैं, साथ में ये श्रद्धालु। फ्रेंड इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं और ये मंदिर का जो है मेन, इसके अंदर मेन शिव जी हैं, जो कि ये अभी इसमें इन करना सही नहीं है। एक्चुअली इसमें इन करने के लिए पूरा शुद्धता, मन तन सारा कुछ शुद्धता होता है, शुद्ध होने के बाद ही फ्रेंड हम इस मंदिर में इन करेंगे। तो फ्रेंड आज तो हम आए हैं काफ़ी घूमते फिरते हुए, तो किसी और दिन अंदर आएंगे। हम बाहर से आपको दिखाते हैं फ्रेंड कि इस मंदिर को किस प्रकार से डिजाइन किया गया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और ये डिजाइन काफ़ी पहले किया गया है और ये यही डिजाइन फ्रेंड आज तक चल रहा है। इस मंदिर को किसी प्रकार का इसमें कोई और अलग से नहीं किया गया। तो देख पा रहे होंगे कि ये लकड़ी से ही पूरा बना हुआ है। तो इस प्रकार से फ्रेंड ये मेन मंदिर है, जो कि काफ़ी बढ़िया है फ्रेंड। यहाँ आने के बाद वैसे तो मन पूरा शांत हो जाता है, मैं अभी हूँ तो मेरे को लग रहा है कि वाकई में हम बहुत बढ़िया जगह आए हैं। तो फ्रेंड इस तरह का मंदिर काफ़ी अच्छा है फ्रेंड। इसका इधर दिखाता हूँ फ्रेंड, इधर जो कि अगरबत्ती जलाना है। साथ ही साथ फ्रेंड इधर श्रद्धालु पीछे दिखाई पड़ रहे होंगे आपको, ये श्रद्धालु किस प्रकार से मंदिर प्रांगण में है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स हम इस मंदिर के जो यहाँ पे रहते हैं, जिनके अंडर में ये मंदिर है, हम उनसे बात कराते हैं और वो बताएंगे कि कब कब मंदिर खुला रहता है, कब आना यहाँ सही रहेगा, कब भीड़ कम रहता है, ये सारा कुछ हम इनसे जानकारी लेते हैं फ्रेंड। मंदिर तो सुबह से खुले रहता है, मतलब 4 बजे से सुबह खुलते है, 6-7 बजे तक, 7 बजे के बाद बंद होती है, आरती पूजा हो जाता है जब मंदिर का। अच्छा, तब उसके बाद तो मंदिर सभी दिन खुला रहता है? हाँ, सभी दिन खुला। अच्छा, ज़्यादा भीड़ कब होता है मंदिर में? जैसे शिव जी का पूजा हुआ, शिवरात्रि हुआ, सावन हुआ, सावन के सोमवार में बहुत भीड़ रहता है। सावन के सोमवार के सोमवार बहुत भीड़ रहता है। हाँ। और यहाँ पे शादी विवाह ये सब भी होता है? हाँ, शादी विवाह के लिए ज़्यादा जाना जाता है। शादी में सबसे ज़्यादा शादी विवाह यही मंदिर में होता है, बंगाली नेपाली इन लोग का होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ पे मंदिर का निर्माण कब हुआ? मंदिर तो हो गए मतलब 3 पीढ़ी हो गए। 3 पीढ़ी सोच लिए, 200 साल लगभग हो गया। 200 साल से ये मंदिर का निर्माण है। हाँ। यानी अंग्रेज का सरकार से ही मंदिर। हाँ, इधर चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। शादी ब्याह का किस तरह का क्या हो, रजिस्ट्रेशन पहले कराना होता है या फिर डायरेक्ट आके हो जाता है? नहीं, आते हैं उसी टाइम, फोटो लेके आना पड़ता है उन्हें। दो फोटो लेके आना पड़ता है उसी टाइम, उनको सिग्नेचर के उसी टाइम, एड्रेस प्रूफ। हाँ, एड्रेस प्रूफ। और साथ में गवाह हुआ भी चाहिए क्या? ना, गवाह हुआ नहीं लगता है। नहीं नहीं, फिर भी एक होता है ना कि मंदिर में रिकॉर्ड एक होता है, नियम है तो लाते हैं। चलिए चलिए, बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद आपको। तो फ्रेंड जैसे कि हम आपको बात कराए हैं जो मंदिर के, जिनके अंडर में ये मंदिर रख रखाव उनका 3 पीढ़ी से रख रखाव चल रहा है फ्रेंड, तो उनसे बात कराए हैं तो वो बताएं कि इस मंदिर में जो है बंगाली नेपाली शादी ब्याह के लिए जाना जाता है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा यहाँ पे शादी ब्याह होता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड इस मंदिर का कथा है। तो बाकी हम आपको और आगे दिखाते हैं ब्लॉक में और क्या क्या यहाँ पर खास है फ्रेंड।